अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आमलेट टिक्की आप घर में कैसे बना सकते हैं। ये बनाने में इतना ही आसान और सादा है, चटपट आप इसको नाश्ते में तैयार कर सकते हो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे लेने के बाद इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम ऐड करेंगे वो है प्याज। प्याज आपके बहुत बारीक कट होने चाहिए, अगर आप इसको कद्दूकस कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना जैसे आमलेट के लिए आप बहुत छोटे से साइज़ के प्याज कट करते हो बिल्कुल वैसे ही हम प्याज काटेंगे। उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें लेंगे। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी दरमियाने साइज़ की और उनको भी बारीक हमने कट कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हमने डालनी है इसके अंदर लाल मिर्च, आप पाउडर फॉर्म में जो होती है वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। तमाम मिक्सर को अच्छे तरीके से आपने मिक्सअप कर लेना है। 2 खाने के चम्मच आपने लेना है इसके अंदर घी। घी लेने के बाद जो इसके अंदर हमने जो पेस्ट रेडी किया था अंडू का वो इसके ऊपर हम फैला लेंगे अच्छे तरीके से चारों साइड्स के ऊपर। घी को थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लेने की रीज़न ये होती है कि अगर घी थोड़े ज़्यादा मिकदार में आप डालेंगे तो अंडा जो है बहुत अच्छे तरीके से फूला फूला और नरम बनेगा। जब आपको लगे कि नीचे वाली साइड बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है तो आपने इस तरीके से इसको टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आपने इसके पीसेस बना लेने हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसको आप कट कर लें। पीसेस में कट करने के बाद इसको इसकी साइड से भी इसको पका लेंगे। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ आप इसको बनाएं और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।